अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दुबई और अबू धाबी ने इस कौन से एक नए मुल्क को, ख़ासकर अबू धाबी ने नए मुल्क को के शहरियों को जो है वो क्वारंटीनिया फ्री करार दे दिया है और उनकी ग्रीन लिस्ट में इस मुल्क ने भी अपनी जगह बना ली है। क्या पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है जिसमें अबू धाबी और अमराती हुकूमत ने कुछ ममालिक को रखा है, उसको ग्रीन लिस्ट का नाम दिया है? इसकी तफसील मैं आपसे शेयर करूंगी अपने इस व्लॉग में, लेकिन उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि डेली बेस पर ये वीडियोज़ आपको मिल सकें। यकीन पाकिस्तान इस ग्रीन लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि पाकिस्तान तो बहुत से ममालिक की रेड लिस्ट में शामिल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अभी अबू धाबी ने जो है वो इसराइल को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया है। जी हाँ, अब इसराइलीज अगर विज़िट करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का, दुबई का, यूएई का, तो उनको क्वारंटीनिया नहीं करना पड़ेगा। क्वारंटीनिया फ्री करार दिया गया है इन शहरियों को और इस मुल्क को जो है वो ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया। क्वारंटीनिया की पाबंदियों से अब इनको निजात मिल गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम भी अपनी वबा पर काबू पा सकें और फिर हमारे मुल्क के शहरियों को भी जो है वो क्वारंटीनिया फ्री लिस्ट में डाला जा सकें।